हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेटा की मंत्रण चैनल पर। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने जो इंटेल के जो 12 जनरेशन का प्रोसेसर है उसकी वहां पे जो सीपीयू बेंडिंग टेस्ट करके दिखाऊंगा कि वहां पे मेरा जो सीपीयू है बेंड हुआ है कि नहीं, मतलब मुझे वहां पे बेंडिंग प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ रही है कि नहीं करनी पड़ रही है, यहां पे दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। यहां पे दोस्तों जैसे आपने देखा होगा कि वहां पे इंटेल के 12 और 13 जनरेशन के जो प्रोसेसर है उसके लिए जो एलजी 1700 सॉकेट होती है और वहां पे जो कंपनी की तरफ से जो हमारा इंटीग्रेटेड लोड मैकेनिज्म आता है वहां पे दोस्तों आपने देखा होगा जो सीपीयू है वहां पे उसमें जो बेंडिंग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो यहां पे दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक साल के बाद ये दिखाने वाला हूं कि वहां पे जो मेरा प्रोसेसर जो है मतलब जो इंटीग्रेटेड लोडिंग मैकेनिज्म होता है जो कंपनी तरफ से होता है उसी में अंदर लगा हुआ है। तो वहां पे दोस्तों हम क्या करेंगे कि वहां पे जो हमारा जो सीपीयू एयर कूलर होता है उसको हटाकर और वहां पे जो हमारे थर्मल पेस्ट हटाकर और वहां पे इंटीग्रेटेड लोडिंग मैकेनिज्म होता है उसमें से निकालकर हम अपने जो सीपीयू को चेक करेंगे कि वहां पे जो हमारा सीपीयू है जो वहां पे बेंड हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर दोस्तों वहां पे वो बेंड हुआ है तो वहां पे कितना हुआ है और वहां पे उसका सोल्यूशन क्या, ये भी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ये सब चीज जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना चाहता है कि अपने कंप्यूटर के जितने भी आपको कनेक्टर्स होते हैं मतलब पावर केबल होती है पीएसयू से निकालनी होती है, जितने भी मदरबोर्ड माउस या फिर मान लीजिए ऑडियो का जो कनेक्शन है वो सब कुछ निकाल लेते हैं, या फिर मान लीजिए एचडीएमआई केबल लगी है या फिर मान लीजिए डिस्प्ले पोर्ट लगा है तो उसकी केबल भी हटानी होती है, मतलब आपको सभी पोर्ट हटा लेनी है ताकि आपको आसानी रहे मतलब काम करने में। और यहाँ पे दोस्तों ये सब कुछ आपको तब करना होता है जब आपका कंप्यूटर बिल्कुल ऑफ हो, वहां पे ये ना हो कि आपका स्विच जो है पावर से लगा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों सभी कनेक्शन हटाने के बाद हम क्या करते हैं कि साइड पैनल जो होती है कैबिनेट की आपकी वो खोल लेनी है। जैसे कि दोस्तों मैं अपने कैबिनेट की साइड जो खोल लेता हूं तो यहां पे इसको मैं खोलकर साइड में रख लेता हूं। आप तो यहां पे दोस्तों जैसे आप मेरे सिस्टम की स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं कि मेरे सिस्टम की स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। और यहां पे दोस्तों मैं कहूंगा कि मेरे फिलहाल अभी ग्राफिक्स कार्ड नहीं है क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस काफी बड़े हैं। और यहां पे दोस्तों मैं बता दूं कि मुझे एक साल से ऊपर इसको इस्तेमाल करते हुए हो गया। यहां पे दोस्तों ये जो है 7 जून के करीब जो सिस्टम मैंने बिल्ड किया था और अब हम यहां पे दोस्तों क्या करेंगे कि एक साल बाद हम इसका जो प्रोसेसर चेक करेंगे कि वहां पे हमारा जो बेंडिंग प्रॉब्लम है कि नहीं है। और अगर मान लीजिए कि हमारे बेंडिंग प्रॉब्लम है तो हम फिर जो ब्रैकेट होती है उसको जो चेंज करेंगे मतलब जो थर्मल लाइट की तरफ से जो सीपीयू फ्रेम होता है फिर उसको लगाकर देखेंगे और वहां पे इसमें जो टेम्परेचर कंट्रोल या परफॉर्मेंस पे भी चेक करेंगे। यहां पे दोस्तों आपके मन में भी ख्याल आएगा कि अगर मान लीजिए आपके सिस्टम को साल से ऊपर हो गया तो यहां पे ये इतना साफ क्यों है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि हफ्ते पहले ही मैंने साफ किया था और पहले भी मैं 6 मंथ के बाद मैं इसको क्लियर कर चुका हूं और अभी भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि इसमें डस्ट जमी है। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं डस्ट जमी हुई है, फिंच पे भी थोड़ी बहुत ही जमी हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपने पीसी को प्रॉपर क्लीनिंग करता रहता हूँ टाइम टाइम से, तो यहाँ पे इस करके साफ है। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा कि हमें अपने जो जितने भी यहाँ पे फैन लगे हैं ये हटाने पड़ेंगे ताकि हम अच्छे तरीके से इसको खोल पाए। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे 2 स्क्रू लगे हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ है एक यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे फटदेसी से खोल लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों बता दूं कि आपका कोई भी सीपीयू एयर कूलर है या फिर मान लीजिए लिक्विड कूलर है तो आप वो पहले उसकी पिक ले लें ताकि वो किस तरह लगा हुआ है फिर आप निकालें। यहाँ पे दोस्तों जो मैं थर्मल पेस्ट इस्तेमाल किया वो जो कूलर मास्टर की जो इस सीपीयू एयर कूलर के साथ आई थी वो इस्तेमाल की थी, यहाँ पे मास्टर जेल प्रो करके है। यहाँ पे इसकी जो थर्मल कनेक्टिविटी है वो दोस्तों है 8 वाट पर मीटर केल्विन के करीब है। तो यहाँ पे दोस्तों हम सीपीयू एयर कूलर रख देते हैं साइड पर और यहाँ पे दोस्तों हमारा जो है सीपीयू है इसको हम यहाँ से जो इंटीग्रेटेड लोडिंग मैकेनिज्म है इसमें से हटा लेते हैं। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसमें से हटाकर और थर्मल पेस्ट जो यहां पे लगी है इसको साफ कर लेते हैं। तो जल्दी से हम अपने सीपीयू को उठा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना सीपीयू सर रख दिया। अब दोस्तों हम क्या करते हैं इसके ऊपर स्केल या कुछ चीज़ रख कर देखते हैं सीधी, और अगर इसके बीच में से लाइट पास होगी जैसे कि आप दोस्तों फोटो में देख सकते हैं तो इसका मतलब है ये मेरा सीपीयू बेंडिंग हो रहा है। यहाँ पे फिर दोस्तों हम चेक करते हैं, तो जल्दी से हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसके थ्रू चेक करते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि यहाँ पे लाइट पास होती है कि नहीं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इस साइड से भी हम ऐसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने टेस्ट कर लिया, आप जैसे दोस्त देख सकते हैं उसमें लाइट पास नहीं हुई है, मतलब इस तरफ से भी मतलब जिस तरफ इंटीग्रेटेड ही स्प्रेडर लगा होता है जैसे कि इस तरफ से भी यहाँ से भी इतना कुछ नहीं है और
इस साइड से भी मैंने चेक कर लिया, जिस तरफ से हमारी जो पिन होती है यहाँ से मैंने चेक कर लिया, मुझे इतनी ज्यादा कोई बेंडिंग प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। यहाँ पे जिस तरफ से की आपकी जो ये होती है मतलब पिन होती है लगी हुई, मतलब जहाँ पे अरेंजमेंट होता है, तो यहाँ पे आपको इस तरह स्लाइड नहीं करना। आप ऐसे कर सकते हैं जैसे यहाँ पे रख लिया, फिर यहाँ पे रख लिया उठाकर, ये नहीं है कि इसको स्लाइडिंग करेगा क्योंकि यहाँ पे इस पर नुकसान पहुंच सकता है, आपको दोस्तों ध्यान देना है। तो दोस्तों आप इस तरह अपने सीपीयू की बेंडिंग प्रॉब्लम को चेक कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे आपके बेंडिंग प्रॉब्लम आपके प्रोसेसर में यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है क्योंकि वहाँ पे जो लैचिंग सिस्टम होता है इंटीग्रेटेड लोडिंग मैकेनिज्म, वो कई बार उसका जो लैचिंग सिस्टम काफी टाइट होता है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है सीपीयू बेंडिंग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। उसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आपके बेंडिंग प्रॉब्लम है तो यहाँ पे जो एलजीएस 1700 होती है मतलब थर्मोलाइट की तरफ से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी। तो दोस्तों मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ नॉर्फुल वीडियो साथ, तब तक के लिए चीजें सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।